लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द स्टाइलिश स्क्वाड। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये एक ड्रग है। सिंपल वर्ड्स में इसको पैरासिटामोल बोलते हैं, जो हम कभी ना कभी अपने लाइफ में खाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये भी एक ड्रग ही है, इसको जॉइंट कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं जॉइंट क्यों दिखा रहा हूँ, क्या मैं यूट्यूब वीडियो में ये जॉइंट फूकने वाला हूँ? नो, डोंट गेट मी रॉन्ग, ना तो मैं इसको फूकने वाला हूँ, ना तो ये जॉइंट है, ये बस एक टिश्यू पेपर है जो ऐसे फट सकता है। लेकिन क्या आप कभी सोचे कि ये जो पैरासिटामोल ड्रग है, ये हम सब यूज करते हैं, लेकिन जो दूसरे टाइप के ड्रग्स रहते हैं वो आपको नहीं यूज करना चाहिए। इसका रीजन क्या है, क्या आप कभी सोचे? मैं यही सब चीजों के बारे में ये वाले वीडियो में बात करने वाला हूँ। मुझे मालूम है कि ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सेंसिटिव और कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन ये चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, और अब जहां भी देखो ड्रग्स की बात हो रही है। अब सोशल मीडिया पे देखो या टीवी पे कोई भी न्यूज चैनल डालो, ऐसे लगता है कि सारा बॉलीवुड में सिर्फ ड्रग्स ही बिकता है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने के लिए, शायद आज वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं। और फिर ऑनलाइन इतने सारे शोज हैं जहां पे आपको दिखाते हैं कि ड्रग्स कैसे यूज करना चाहिए, कैसे सेल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे एक शो है जिसका नाम है हाउ टू सेल ड्रग्स। ये शोज जब टीनेजर्स देखते हैं तो उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उनको भी ड्रग्स करना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन सारे लोगों को लगने लगा है कि अगर आप ड्रग्स नहीं करेंगे तो आप सोशली बैकवर्ड हैं और आप कूल नहीं हैं। यही सब चीजों के बारे में ये वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि एक प्रिस्क्राइब ड्रग और एक बैंड ड्रग में डिफरेंस क्या है। जो डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है वो एक लीगल ड्रग है, आप उसको कोई भी मेडिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी हो तो ये ड्रग यूज करके आप उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो बैंड ड्रग्स हैं, इसको बनाना और खरीदना इलीगल है। ये ड्रग्स अगर आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी और आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा और थोड़े ही दिनों के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में कोई भी चीज जिससे आप अडिक्ट हो जाते हैं और आपको नुकसान पहुंच रहा है वो चीज आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं और उससे फायदा नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द पॉइंट, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो या इवन सिगरेट्स। आप जब ड्रग्स लेते हैं तो आप रियलाइज नहीं करते कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। इसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है या डिप्रेशन, या आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, आपको अलूफनेस फील होगा। इसका मतलब यह है कि आप सारे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, आप बस एक बंद कमरे में अकेले रहना पसंद करते हैं। आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगा, आपके जो मसल्स हैं वो लॉस हो जाएंगे और इवेंचुअली आप बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन दिखने लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लड़के हैं तो आपको इम्पोटेंसी भी हो सकता है, और अगर लड़की है तो आपको लिबिडो भी हो सकता है। क्या आप कभी सोचे कि कोई भी इंसान ड्रग एडिक्ट कैसे हो जाता है? सबसे कॉमन रीजन है पीयर प्रेशर। ये पीयर प्रेशर का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी हॉस्टल में रहते हैं या आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो स्मोक करते हैं या दारू पीते हैं, और आप दारू नहीं पीते हैं, आप स्मोक नहीं करते हैं, तो आप जनरली लेफ्ट आउट फील करते हैं। और फिर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपके दोस्त लोग आपको फोर्स करते हैं, तो आप सोचते हैं कि ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आप ट्राई करते हैं और विदाउट रियलाइजिंग ऐसे आप अडिक्ट हो जाते हैं। दूसरा रीजन यह है कि आपको लगता है ये करने से आप ज्यादा कूल दिखते हैं, आपको लगता है कि ये करने से आप ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है कूल दिखने के लिए या मोमेंट एंजॉय करने के लिए, तो आपका अजम्पशन बिल्कुल गलत है। क्योंकि ड्रग्स लेके और हाई होके कोई भी मोमेंट आप जब एंजॉय करते हैं, जब आपका नशा कम होगा तो वो मोमेंट आपको याद ही नहीं रहेगा, तो फायदा ही क्या ऐसे एंजॉयमेंट का। अगर आपको कोई भी वजह से ड्रग्स की आदत हो गई है लेकिन आप इससे बाहर आना चाहते हैं, तो टेंशन मत लो, क्योंकि जो मैं अगले आइडियाज बोलने वाला हूँ इससे आपको जरूर हेल्प होगा। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप इससे दूर रहने के लिए खुद को मदद करना चाहते हैं या आपको किसी की मदद चाहिए। अगर आप खुद से कोशिश कर रहे हैं इससे दूर रहने के लिए, तो सबसे पहले आपके जो दोस्त है जिसकी वजह से आप ये स्टार्ट कर रहे हैं उनसे दूर रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों से ना मिले और उनसे बात ना करें, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आपको खुद की बॉडी पे कंट्रोल रहना चाहिए, ताकि कोई भी फोर्सफुली आपको कुछ करा नहीं सकता। और फिर जो वो बंद रूम है, वो बंद रूम से बाहर आइए, थोड़ी खुली हवा में आइए, लोगों को मिलिए, लोगों से बात करिए। जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपका टाइम पास होगा और इवेंचुअली आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आपको लोगों से मिलना ही नहीं है, तो आप ऑनलाइन ऐसे मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं जिससे आपको फायदा हो। एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है यूफोरिया। इसमें दिखाया कि आप जब ड्रगी बनते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज होती है। अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपको देखना चाहिए। और दूसरी एक मूवी है जो आप देख सकते हैं, वो है ब्यूटीफुल बॉय। और अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप देखिए कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं, उनसे मिलिए, बात करिए और अपने प्रॉब्लम शेयर करिए। आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। या आपको इतने सारे ऑनलाइन रिहैब ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें बस आपको इतना करना है कि आपको ऑनलाइन बैठ के आपके बारे में बात करना है और दूसरे साइड से आपको सजेशंस मिलेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी।
या फिजिकली रिहैब सेंटर्स भी जा सकते हैं, वहां से भी मदद ले सकते हैं। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इतना समझना है कि आपको खुद को मदद करना पड़ेगा, आपको खुद में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक करें, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक मत करिए। नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्यों आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा और अगले वीडियो से हम ज्यादा मेहनत करेंगे। ये वीडियो में मैं बस अपने ओपिनियन बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ड्रग्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपकी लाइफ है, वो आपका डिसीजन है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि लाइफ इज ब्यूटीफुल और ये लाइफ को आप एंजॉय करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस की जरूरत नहीं है। पीस।